तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो में, जहां पे हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो S5 का। जी हाँ गाइस, वीवो S5 का अनबॉक्सिंग करेंगे। और गाइस, ये अदर कंट्रीज में वीवो S1 प्रो के नाम से गया और इंडिया में आपको वीवो S5 के नाम से ही देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पे ये जो रैम वेरियंट है हमारे पास में, ये कुछ है 8GB 128GB वाला रैम वेरियंट, जिसका कि आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो बॉक्स के पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए गाइस, फटाफट शुरू करते हैं इस फोन का अनबॉक्सिंग। तो फटाफट से बॉक्स को करते हैं ओपन और उसके ऊपर के जो लिड है मैं इसको हटा दिया हूं। और उसके बाद आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है एक सेक्शन, जिसमें कि वीवो लिखा हुआ है और इसमें एज यूजुअल कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलने वाली है आपको। लेकिन गाइस, यहां पे आपको पहली तरफ देखने को मिल जाता है एक USB डेटा सिंकिंग केबल, जो कि USB टाइप सी पोर्ट है। और गाइस, यहां पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है एक क्लियर सॉफ्ट केस, जो कि एक ट्रांसपेरेंट सा केस दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है कुछ लीफलेट्स और सिम इजेक्टर टूल। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे स्मार्टफोन की ओर। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन रखा हुआ, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो इसको भी रखते हैं अभी बाजू को। अभी यहाँ पे अंदर की तरफ आपको देखने को क्या कुछ मिल जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक ईयरफोन का सेट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है बॉक्स में इंक्लूड किया गया है। साथ में आपको यहाँ पे पावर अडैप्टर मिल जाता है, जिसमें कि 18 वॉट की रेटिंग दी गई है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से हमारे फ़ोन की ओर। तो फटाफट से मैं करता हूँ इस फ़ोन को अनरैप, जो कि प्लास्टिक के रैपर में आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। साथ ही फटाफट से बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे इसका जो बैक है आपको ग्लास वाली बैक दी गई है एक, और यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन देख के आप बोल सकते हो काफ़ी लाजवाब डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्रिस्टल ब्लू कलर में, और एक नंबर सा ग्लॉसी ग्रेडिएंट का फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में वाकई काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे वीवो की तरफ से आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि एक यूनिक सा डिज़ाइन है। अब फटाफट से करते हैं यहाँ पे फ़ोन को बूटअप। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ़ोन को बूटअप कर दिया है, और यहाँ पे आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि आपको यहाँ पे वीवो S5 में देखने को मिल जाएगा पंचोल कैमरा, जो कि इंडिया में आएगा। और यहाँ पे वीवो S1 प्रो में आपको यहाँ पे डॉट नॉच ही दिया गया है। यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड का पैनल मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको कलर सैचुरेशन लेवल देता है। और गाइज, इसमें आपको देखने को मिल जाता है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और गाइज, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स मिल जाते हैं, जो कि अपीयर करता है लॉक स्क्रीन में कुछ उसका डिज़ाइन, उसको भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ में बात करते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो मैंने इसके सेल्फी कैमरा के बारे में तो बता ही दिया, 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है आपको इसमें। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें कि 48 MP का मेन कैमरा है, जिसमें कि सोनी का सेंसर दिया गया है। साथ में आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 MP का डेप्थ सेंसर है, 2 MP का मैक्रो लेंस आपको दिया गया है। तो आपको ये कुछ सेटअप मिल जाता है कैमरा के अंडर में, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैमरा सेंट्रिक डिवाइस ये बन जाता है। साथ में आपको 4100mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो गाइज, इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 712 वाला प्रोसेसर, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और एक मिड रेंज का फ्लैगशिप प्रोसेसर आप कह सकते हो इसको। तो बस गाइज, आज की इस छोटी सी अनबॉक्सिंग में बस इतना ही। तो गाइज, ये जो इंडिया में आएगा कुछ 28,000 रुपये के प्राइस रेंज में आएगा। तो बस गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए डेली अपलोड करता हूँ। तो मिलता है मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।